दोस्तों, लाल किताब के तीन वो सिद्धांत जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ लिया तो समझिए बच गए जीवन की बहुत सारी परेशानियों से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। हम इसी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बताया, आप लाल किताब के बारे में जानते हैं, भारतीय ज्योतिष का ही एक हिस्सा है। और इस वीडियो में आपको तीन नियम हम बताने वाले हैं। इन तीन नियमों को समझ लिया आपने और धारण कर लिया, यानी कि अपने जीवन में इसको सूत्रधार कर लिया, यानी कि अपना लिया, तो आपके जीवन से मुसीबतें दूर हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहला नियम, अनंत ब्रह्मांड में है ईश्वर की सत्ता। जी हाँ, लाल किताब मानती है कि ईश्वर एक ही है, जिसकी इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत सत्ता विद्यमान है और जिसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जो ईश्वर की शरण में होते हैं वे अलग अलग प्रभावों से बच जाते हैं। जी हाँ, अलग अलग प्रकार के प्रभाव जो होते हैं धरती पर, उनसे बच जाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर एक हैं, चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर एक हैं। दूसरी बात, अंत ग्रह और नक्षत्र से जीवन प्रभावित होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, जो उस सर्वशक्तिमान की शक्ति से चलते हैं, यानी कि ईश्वर की शक्ति से चलते हैं, और इनका संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रकाश और प्रभाव व्याप्त है। इनके प्रभाव से आप भी नहीं बचे रहते हैं। और इसका उदाहरण समझ लीजिए, अभी सूर्य की एनर्जी से एनर्जी लेकर के ही जो ये फसलें हैं वो उगती हैं, जिसका कि हम सभी ऊर्जा के रूप में लेते हैं। अपने शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है, जैसे सूर्य की ऊर्जा प्लांट्स लेते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं और उससे जो फल निकलता है उसको हम खाते हैं, हमें एनर्जी आती है और एनर्जी से ही हम सभी चल रहे हैं। तो वैसे ही वो एनर्जी जो है सूर्य की, चांद की, तारों की, इस पूरे ब्रह्मांड की हमारे ऊपर भी कार्य करती है। और जब हम पहली बार इस धरती पर आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, इसीलिए उस नक्षत्र, उस समय, उस चौघड़िया और उस दिन का बहुत महत्व हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि उसके अनुसार हमारा निर्माण होता है। आप देखेंगे बहुत दिन धूप न निकले तो पौधे मर जाते हैं। ठीक वैसे ही आपका भी जब जन्म हुआ है तो समय कौन सा ऋतु है, क्या नक्षत्र है, इस सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। मुट्ठी में है कर्म का भाग्य। जी हाँ, आपके द्वारा अगले पिछले जन्म में जो भी कर्म किए गए हैं उन सभी से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। कर्म से ही सौभाग्य और दुर्भाग्य का निर्माण होता है। मुट्ठी में बंद भाग्य को पढ़ करके उसे पलट भी सकते हैं आप। इसीलिए दिया भी गया है कि आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड टेस्ट किस लिए होता है, कि आप उसको समझ करके उसको बदल सकें, अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकें। ठीक ऐसे ही नक्षत्रों को, ग्रहों को समझ करके आप अपनी कमजोरियों को और जो खूबियां हैं उनको समझ जाते हैं और उसके अनुसार जब आचरण करते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए आप अपने इस भाग्य को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ में निहित है। लेकिन अगर आपने सही से समझ लिया और उस, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पता चल गया ब्लड टेस्ट के बाद कि शुगर है, तो अब वो क्या करेगा, शुगर नहीं खाएगा, उससे रिलेटेड पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, तो लंबे समय तक अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा। ठीक ऐसे ही ज्योतिष जो है वो बस समझने की चीज़ है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसके लिए आप उपयुक्त हैं और किस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। सही डायरेक्शन आपने लिया, सही से समझ लिया अपने आप को, तो आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, अगर आप इस चमत्कार के उम्मीद में हैं कि नहीं इसी से आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो वो इसीलिए अक्षरशः सत्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कर्म भी उसमें निहित होता है। और कर्म जो है वो सही दिशा में होना चाहिए। मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत किया जाना बहुत जरूरी है। तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जी हाँ, जैसे नदी का काम है बहना, उसके बहाव को रोक करके आप उससे नहर निकाल सकते हो, बिजली बना सकते हो और उसके बहाव की दिशा भी आप बदल सकते हो। गलत दिशा से उसे सही दिशा में या फिर सही दिशा से उसे गलत दिशा में बहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप में पावर है, परंतु इससे नदी की स्वाभाविक गति रुक जाएगी। इस प्रकार से कोई किसी का भाग्य बदलने की कोशिश करता है, जैसे कि आप सही दिशा जो आ रही है नदी की, जब आप रोकते हैं तो वो तो बदल ही जाती है। ठीक ऐसे ही भाग्य का भी खेल है, तो उसे अपने आप चाहें तो बदल सकते हैं मेहनत करके, यानी कि
आपको भविष्य में आम का फल मिलने वाला था, लेकिन वह नहीं मिला क्योंकि आपने दिशा बदल दी और अब आपको अमरूद का फल मिलेगा। तो कुछ न कुछ बलिदान तो देना ही होगा। फल अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी, लेकिन उसको समझ लेंगे तो आप में बदलने की काबिलियत है, क्षमता है अपने एक्शन से यानी कि कर्म से। नौ ग्रहों का क्षेत्र विस्तार समझ लीजिए। बुध विस्तार और व्यापकता का भाव देता है। राहु बुध का सहयोगी और मित्र है। ये देखने में नीला दिखाई देता है, लेकिन उसका विस्तार कितना है कोई आज तक उसे नाप नहीं पाया है। सूर्य प्रकाश और शनि अंधकार के दाता हैं। हर इंसान के जीवन में प्रकाश और अंधकार का दौर आता है। उसे जीवन में किसी न किसी प्रकार के अंधेरे से लड़ना होता है। आपको भी जीवन में कभी कठिनाइयाँ आई होंगी और कभी बहुत खुशी मिली होगी। याद आ रहा होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी बहुत लो फील करते हैं, अंधकारमय जीवन लगता है, और कभी बहुत प्रकाशमय लगता है, ऐसा हुआ है या नहीं। उसी लड़ाई को ताकत देते हैं गुरु। जी हाँ, गुरु हवा का कारक है। जब तक जीवन के भीतर प्राण वायु प्रवाहित होती रहती है वह जीवित माना जाता है, और जैसे ही अपना प्राण वायु का प्रवाह बंद हो जाता है तो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शुक्र पाताल के रूप में जाने जाते हैं। भूमि के भीतर क्या है यह किसी को पता नहीं है। कितनी गहराई पर क्या छुपा बैठा है यह तो कर्म करने के बाद ही पता चलता है। केतु को शुक्र ग्रह का सहयोगी ग्रह माना जाता है और चंद्रमा को धरती माना गया है। इसके द्वारा ही किसी भी जीव का जन्म और आगे के जीवन के बारे में पता चलता है। मंगल अपना पराक्रम दिखाने वाला पूंछ वाला सितारा कहा गया है। इसके पराक्रम के बिना कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। कुंडली में दो प्रकार के प्रभाव सामने होते हैं, एक प्रकट और दूसरे शक के दायरे में होते हैं। सितारा तो कहता है कि जातक को राजयोग है, परंतु जातक को भीख मांग करके अपना जीवन गुजारना पड़ता है। जो भी निश्चित प्रभाव होता है वही भाग्य का संकेत देता है और वही अटल होता है। जब तक किसी प्रकार से किसी देश या फिर काल और परिस्थिति का अध्ययन नहीं करते हैं आप अच्छे से, निश्चित कथन आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि निश्चित परिणाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब किसी का जन्म मान लीजिए 1 जनवरी को ही हुआ है, लेकिन वो इंडिया में हुआ है कि यूएस में हुआ है, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जलवायु चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है, बहुत फर्क होता है। मतलब ये कि कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भीख क्यों मांगना पड़ रहा है, यही शक वाला क्षेत्र है। ग्रहों का शक वाला क्षेत्र हमेशा के लिए स्थिर नहीं होता है। उस प्रभाव को लाल किताब के उपायों के द्वारा आप दूर भी कर सकते हैं। दूर करने के लिए या अपनी समस्या क्या है आपकी, वो कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी एपिसोड जरूर बनाएं। लाल किताब से जुड़ी हुई, वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारियों को पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या सुझाव देना चाहते हैं। आप अपना सुझाव भी चैनल के लिए ज़रूर दें कि आपको और क्या कमी लगती है या फिर किन चीज़ों का सुझाव देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से हमारे साथ बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।